नाजरीन, सऊदी अरब में पहला रोज़ा इंशाल्लाह 13 अप्रैल 2021 बरोज़ मंगल को होगा। सीम यूनिवर्सिटी में जोग्राफी अलूम के प्रोफेसर अब्दुल्ला अल मुसन्नद ने कहा है कि रवां बर्स रमज़ान का पहला रोज़ा इंशाल्लाह 13 अप्रैल 2021 बरोज़ मंगल को होगा। शाबान का महीना 30 दिन का होगा और इसकी आखिरी तारीख 12 अप्रैल को होगी। अल अरबिया नेटवर्क के मुताबिक अब्दुल्ला अल मुसन्नद ने बताया कि रवां साल रमज़ान के पूरे 30 रोज़े होंगे इंशाल्लाह। 12 मई 2021 को रमज़ान का आखिरी रोज़ा होगा, जबकि ईद का त्यौहार जुमेरात 13 मई 2021 को मनाया जाएगा। अल मुसन्नद ने तवज्जो दिलाई कि 29 रमज़ान मंगल को चांद सूरज के गुरूब होने से 12 मिनट पहले छुप जाएगा, लिहाजा 29 रमज़ान को चांद नज़र नहीं आएगा। अब्दुल्ला ने मज़ीद तवज्जो दिलाई कि जो लोग रमज़ान और ईद उल फितर के हवाले से अपने प्रोग्राम बनाना चाहते हों वो इस बात को मद्देनज़र रखें कि रमज़ान का पहला रोज़ा इंशाल्लाह 13 अप्रैल और ईद उल फितर 13 मई को होगी। रिजर्वेशन या तकरीबात वगैरह मुकर्रर करते वक्त इस बात को मद्देनजर रखा जाए। नाज़रीन, आपको एक बार फिर से बताते चलें कि अल अरबिया नेटवर्क के मुताबिक अब्दुल्ला अल मुसन्नद ने बताया कि रवां साल रमज़ान के पूरे 30 रोज़े होंगे। 12 मई 2021 को रमज़ान का आखिरी रोज़ा होगा, जबकि ईद का त्यौहार जुमेरात 13 मई 2021 को मनाया जाएगा। अल मुसन्नद ने तवज्जो दिलाई है कि 29 रमज़ान मंगल को चांद सूरज के गुरूब होने से 12 मिनट पहले छुप जाएगा, लिहाजा 29 रमज़ान को चांद नहीं नज़र आएगा। अल मुसन्नद ने इस बात की भी तवज्जो दिलाई कि जो लोग रमज़ान और ईद उल फितर के हवाले से अपने प्रोग्राम बनाना चाहते हैं वो इस बात को मद्देनज़र रखें कि रमज़ान का पहला रोज़ा इंशाल्लाह 13 अप्रैल और ईद उल फितर 13 मई को होगी।